मुंबई पुलिस। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, मैं सैयद सुफियान, मुंबई पुलिस को सलाम। न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम है तारदो तुलसीवाड़ी, जहाँ पे इनका घर और झोपड़ा तोड़ा जा रहा है और एक शख्स की मौत हो चुकी है, उस बारे में आइए आंटी। हाँ बेटा, हमारा नाम नाजमिन शेख है। हमारा जबरदस्ती 9 घर को नोटिस देने के बाद पूरी झोपड़ पट्टी जा रही है। हमारे जवान जवान बच्चे आदमी बीमार है, हमारा बच्चा स्कूल पढ़ने वाला, अभी हम लोग कहाँ जाएंगे? हमारे को कोई बंदोबस्त बोलते या 15 दिन 4 महीने बारिश के बाद का टाइम बोलते तो हम लोग खाली करके नीचे उतार देते। अभी वो भी नहीं है, ताबड़तोब तोड़ रहे और गली के बच्चे लोग को मार रहे हैं। औरत लोग से बात बराबर ढंग से कर रहे, नहीं आ रहे, तुरे से बात कर रहे। अभी हम लोग क्या करेंगे उसके आगे? बिल्डर का नाम क्या है? राठौर। हाँ, आप क्या कहना चाहते हो? अभी एक हार्ट अटैक आके खलास हो गया, अभी क्या करेंगे उसके लिए? ये झोपड़े तोड़ना बारिश के बाद रखना चाहिए था, या नहीं तो 2 महीने का टाइम देना चाहिए। मेरे कैसा हुएगा अभी ये? अभी इसका अच्छा तो कैसा होएगा? बीमारी वाले अटैक आ गया, कैंसर वाले है, पेट से औरत है, छोटे छोटे बच्चे, सुबह से नाश्ता पानी नहीं, कुछ नहीं। हाँ, ऐसे सबको घर पे निकाल दिया बारिश के टाइम पे सबको। आपका क्या कहना, आप क्या चाहते हो? क्या चाहते? हम लोग का टाइमिंग दो, हम लोग का टाइमिंग दो, 5 करो करो हम लोग को। बिल्डिंग में किधर भी यहाँ के नेता अरुण भाई अरुण दूधवड़कर जी थे ना, यहाँ से सामान भी लेके जा रहे हैं, सामान भी लेके जा रहे हैं। आइए देखते हैं। मेरी सास पैरालाइज पेशेंट है, ब्रेन हेमरेज हो गया, उनको भी निकाल के फेंक दिए घर से बाहर। पेशेंट है उनकी सास, तो पेशेंट है व्हील चेयर पे। मेरी सास को कैंसर की बीमारी है, आज उसको केमो लेने जाने का था तो भी नहीं गई हो। हाँ, हॉस्पिटल में नंदू नाम का था, नंदू नाम था, आज तक से मर गया हॉस्पिटल में। यहाँ के जो नेता है टाइम तो दो, कम से कम ऐसे कैसे अचानक दे दिया है? अरे हम डायबिटीज के मरते हैं, अभी अटैक हमें आ जाए तो क्या होएगा उसका? फिर कौन जिम्मेदार है? हमारे छोटे छोटे बच्चे, इनका कौन जिम्मेदार है? अचानक तोड़ने लगा दिया, अभी तक ये लेने का था, ये लेने कैसे एकदम अचानक आया? हाँ, ऐसा होता है क्या? ये ऐसा होता है एकदम अचानक आया, एक घंटे को तोड़वा दिया? ऐसा होता है क्या? बताओ, तुम बताओ खाली हमें, ऐसा होता है क्या? तो नहीं है, पर अभी जो यहाँ के MLA हाँ लगे तो कम से कम महीना भर नोटिस देना चाहिए। आगे हमारा कितनी तकलीफ हो रही है, हमारे पैसा घर में अमल से औरतें बच्चे जच्चा सब कहाँ जाएंगे? कम से कम एक महीना भर नोटिस तो आगे देना चाहिए ना, तोड़ने का करने का। बाल बच्चे लेके कहाँ जाएंगे? हमें कहाँ जाएंगे? एक तो बारिश है, कहाँ जाएंगे, चले जाएंगे? लोगों का कहना है यहाँ पे बारिश है और यहाँ के झोपड़े, यहाँ के घर तोड़े जा रहे हैं। आइए और बात करते हैं। आंटी, आपका क्या कहना है उसमें? हमारे को ये चाहिए, जो हमारा झोपड़ पट्टी तोड़ेंगे तो हम बिल्डर का काम रोकेंगे। बस हम बिल्डर का काम रोकेंगे, सब एक साथ है हम लोग बिल्डर का। जो भी सब महिला है यहाँ पे मोर्चा लगाने वाले, आइए देखते। बिल्डर को लोग छोड़ने की बात नहीं कर रहे, आइए देखते। जब से बिल्डिंग बनाने घुसा हम लोग को परेशान करके रखा है उसने। अब बेफुजूल यहाँ के छोकरंदा को हवलदार बहुत मार रहे, अभी वो यूसुफ को बच्चे को इतना मार रहे। इसमें कुछ गलती नहीं आंटी, अब पुलिस पे उंगली मत उठाइए, उसमें पुलिस की कोई गलती नहीं, क्योंकि पुलिस को ऊपर से ऑर्डर आता है, उसमें सब बिल्डर का है। मुंबई पुलिस को सलाम।